YouTube फैमिली सभी को राधे राधे एंड वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। गाइस यार आज ना हम बहुत मतलब आप सभी को पता मैं दिल्ली आया हूँ तो मैं इसी चक्कर में आया हूँ। मेन मेरे को एक्सप्लोर करना है दिल्ली की सबसे बड़ी गौशाला जो कहते हैं सारे कि ये बहुत बड़ी गौशाला है। एक बार आप देख लो जरा। तो भाई गौशालाओं को एक्सप्लोर करने आया है पूरा प्रॉपर और अभी शाम के 5:30 बज चुके हैं और जस्ट हम अब आया क्योंकि यार आप टाइम नहीं थे मतलब थोड़ा टाइम का वो थी तो इस चक्कर में आया। चलो भाई फटाफट से चलते हैं पूरा एक्सप्लोर करके दिखाते हैं। सबसे पहले चारा लेते हैं और उसके बाद आपको प्रॉपर दिखाएंगे और किसी से लाइक बात करवा के भी आपसे पूछवाएंगे कितने टाइम से कितनी गाय माता मतलब गौ माता है और कितने सब है। तो फटाफट से चलते हैं और आपको दिखाते हैं प्रॉपर। हाँ ले जाएगा। हाँ जी हाँ जी। तो चलो भाई अब हमने चारा ले लिया चलते हैं अंदर और दिखा। जी दिखा दे एक बार दिखाई इधर मेरे को। भाई गाइस देखो कितनी सारी गौ माता है मतलब प्रॉपर आपको पूरा एक्सप्लोर करके दिखा रहे हैं। आजा जूम आउट जूम इन कर लियो। ताला खाए भाई। यार आप सभी ने देखा लाइक अभी तक जितना भी हमने दिखाया कि कितनी सारी गौ माता है यहाँ पे। एक बार इधर का भी दिखा दे। सारी यहाँ पे गौ माता है कसम से। और ना पहले हम चारा खिलाते हैं गौ माता को उसके बाद आपसे पूरा मतलब पंडित जी से जो भी यहाँ के होंगे उनसे पूरा प्रॉपर देख के कि कौन है मतलब कितने टाइम से गौ माता इधर है कितने टाइम से गौशाला में तो पूरा प्रॉपर और कितनी गौ माता है यहाँ पे। वैसे हमने अभी तक जितनी देखी है तो बहुत ही है भाई। बाकी एक बार चल के पहले चारा खिलाते उसके बाद बात करते हैं आपसे। भाई अब अपने यश भाई गौ माता को चारा खिलाते हुए बहुत बढ़िया यश जय गौ माता। भाई आप जहां तक भी देखो यहाँ पे पूरी गौ माता वहां पे भी देखो सामने जो है लाइक प्रॉपर ये। चलो यार अब थोड़ा आगे वहां से पीछे से होके थोड़ा आगे भी चलते हैं गौ माता को थोड़ा आगे भी खिलाते हैं। भाई हमने थोड़ा अंकल से अंकल गौ माता हाँ गौ माता के बारे में क्या जानना चाहते हैं आप बताइए कि यहाँ पे मतलब कितने टाइम से ये गौशाला है और कितनी गौ माता सामने क्या है। तो आपकी 100 साल से ऊपर की है कमरे में आपके गेट पे लिखा हुआ है पूरा बकायदा जो संस्थ है ये। अच्छा और कितनी गौ माता होगी सर हमारे पास इस टाइम जो है 2000 से ऊपर ही चल रही है नीचे नहीं है 2000 से ऊपर। हाँ और लगभग इन्हें टोटल मतलब आइडिया के थ्रू कितना 2000 मान के चलिए पूरा। तो अच्छा बहुत वो आते होंगे इधर श्रद्धालु लोग बहुत आते हैं दानी लोग आते हैं यहाँ सब खिलाते हैं इनकी सेवा करते हैं। अच्छा, सब कुछ करते हैं यहाँ की जो है सेवा भी करने वाले लेबर है हमारे पास। अच्छा, और कर रखी हुई है स्टाफ है पूरा करीब 100 आदमी तक है यहाँ जो इनकी सेवा में लगे रहते हैं सब कुछ इनकी देखभाल में पानी से लेके खाने तक सब कुछ का होता है इनका।
बताओ अंकल को 5-10 मिनट तो ले लें अंकल के बस। तो चलो भाई, जैसे कि अंकल ने बताया तो हम तो भाई अभी वहीं पे थे स्टार्टिंग में, अंकल कह रहे बहुत बड़ा है, तो हम अंकल के साथ थोड़ा, अंकल हमें दिखा रहे हैं कितना है, और चलते हैं और दिखाता हूँ आप सभी को मैं। अंकल एक सेकंड बोल बोलो अंकल। ये हमारा जो आगे देखिए सेट बनने जा रहा है ऑरेंज के लिए। अच्छा, और गांव माता के लिए जगह जो है ये टूट करके बनने जा रही है। अच्छा, और आगे वहाँ तक गाय फलती रहेंगी हमारी, चलती रहेंगी। अच्छा। ये सब यहाँ से वहाँ तक सब गौ माता हमारी रहती है, जैसे घर में है। ये सब जो हमारे यहाँ कोई पैर में कोई जख्म होगा वो अलग है, वो अलग। तो जैसे हमारे पास जो बीमारी आई थी, अच्छा, उस बीमारी का हमारे गौशाला वालों ने कंट्रोल किया, डॉक्टरों ने, सब लोग मिल करके। वो 2-4 रह गई है जो अभी ठीक है, पड़ी हुई है, अलग रहे। तो टचवुड किसी गौ माता को नहीं, तो नहीं नहीं ऐसा कोई नहीं है। वहाँ कंट्रोल किया गया, दवाइयाँ पिलाई गई, टीके लगाए गए, सब कंट्रोल कर लिए सबको। तो इधर इधर सुन, तो भाई जैसे कि अंकल कह रहे कि जो अभी कि आप सभी ने सुना होगा, जो कौन सी था, लंपी वायरस। तो हाँ, जैसे कि अभी लंपी वायरस आया था गौ माता में, तो अंकल कह रहे जिनकी भी तबीयत खराब हुई थी उन सबको अलग रखा जाता है, जिनके कुछ होता है अंकल वो सब अलग रहते हैं। जिनको जैसे कुछ होगा उनको हम अलग करते हैं, उनकी वही दवाई पट्टी मलहम सब होता रहता है। अच्छा, और जो नए बच्चे पैदा होते हैं, जो बच्चे पैदे होंगे, अभी ये दूध की बैरी है यहाँ से वहाँ तक। अच्छा, यहाँ पे जो बच्चे पैदे होंगे वो ग्वाला अपने आप उनको दूध पिलाएगा, उनको रखेगा, बच्चे को वो अलग बना हुआ। तो वो सेवादार अलग है, वो ग्वाले अलग होते हैं। अच्छा, सफाई वाले हमारे पास अलग होंगे। हमारी ड्यूटी इनको देखभाल करना, पानी से लेकर सब कुछ 12 घंटे तक इनको हम देखते रहेंगे। ओके, तो जैसा कि जाएगा ड्यूटी पे। ओके, तो आपकी मतलब कितने बजे से कितने बजे तक होती है? 8 बजे से 8 बजे तक हमारी ड्यूटी है। यहीं रहते हो आप क्या कहीं? हाँ, हम यहीं रहते हैं। यहीं रहते हैं। तो भाई हाँ यार, अपना रेस्ट भी इम्पोर्टेंट है लाइफ में। तो भाई जैसे कि आप सभी देख रहे हो, अभी ये थोड़ी सी गौ माता, ये इनको थोड़ा सा रह गया, लंपी वायरस हुआ था इनको थोड़ा बहुत रह गया, कोई नहीं भाई ठीक हो जाएगी गौ माता सभी। चलो अब अंकल कह रहे हैं कि थोड़ा आगे की साइड चलते हम, तो जय गौ माता। अच्छा, यहाँ पे दूध के लिए होता सब? ये दूध की बैरिया है, सारी दूध की गाय है। अच्छा अच्छा, ओके। और चौक में जो होती है बिना दूध की होती है, जो दूध तोड़ दिया। अच्छा, जो बछिये हैं, बछड़े हैं, सांड हैं, वो चौक में होती है। अच्छा, तभी हम सोचे कि अलग अलग डिफरेंस में, तो वो पार्ट में क्यों है डिविजन? ये हमारा जो है दूध का अलग। अब दूध निकल गया है, अब ये सवेरे इनका फिर 4 बजे 5 बजे 4 बजे आकर के दूध। दिन में 2 बार होता है, 2 बार शाम को, सुबह और शाम, 2 टाइम। ओके ओके, चलो भाई आ जाओ आगे चलते थोड़ा। ने भाई इधर बहुत, हमारी यश भाई बहुत अच्छे से वीडियो बनाते हुए। भाई जैसे कि अंकल ने बताया कि ये सब ना दूध के लिए है, दूध के मतलब सबका अलग अलग पार्ट है, वो उधर है कोई उधर है। तो जैसे अंकल अभी आगे लेके जा रहे हैं, आगे चलते आ जाओ। ये बच्चे मिलेंगे सारे, ये है हमारी सातों बैरी के बच्चे यहाँ पे। ओके ओके, ये आपको यहाँ से वहाँ तक बच्चे मिलेंगे, गाय उधर बच्चे इधर। अच्छा, अब ये जब दूध निकालना होगा दूध पिलाएंगे। अच्छा, तो ये उधर कर दी जाएगी, फिर वो दूध पी लेगा, दूध निकाल लेंगे, ला के यहाँ कर देंगे। भाई ये तीसरा पांचवा एरिया, सॉरी लास्ट का एरिया ना अंकल, ये लास्ट है ना? ये लास्ट में चल रहा है, तो यहाँ पे भी दूध का ही एरिया है प्रॉपर। चलो आगे चलते आ जाओ। भाई अंकल भी हमें बहुत अच्छे से दिखा रहे हैं, मतलब बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, क्योंकि मैं भी लाइक मैं यहीं रहता था, आप सभी को पता है मैं दिल्ली का ही हूँ प्रॉपर, तो मैं भी यहीं रहता था, हमारा भी आना जाता होता रहता था, बट मैंने आज तक आपको पता है 1 ईयर ही हुआ है व्लॉग स्टार्ट करे हुए। तो अब हम चल रहे हैं आगे, दिखाते हैं आप सभी को अंकल, तो देखो बच्चे जा रहे हैं। कुछ और भी तो होगा ना, खुली हुई है सारी। अच्छा, तो ये अलग है, मतलब ये दूध दूध के नहीं है, नॉर्मल है? नहीं, ये नॉर्मल में है। अच्छा ओके ओके, पहले बन जाएगी, बच्चा देने पाएंगे तब निकाल लेंगे। अच्छा, अब इसमें सब मिक्स होते हैं। तो अंकल ये कभी मतलब इतना तो नहीं जैसे बाहर की गाय वाय जो होती है लड़ाई वड़ाई करती है? नहीं, आपस में नहीं, नहीं आपस में थोड़ा बहुत अगर लड़ लुड़ लेते हैं तो साल लड़ लेंगे ना, ऐसे गाय कोई नहीं। ओके, थोड़ा बहुत लड़ लेते हैं, वो थोड़ा बहुत तो देखो यार गाइस नॉर्मल है, वो तो होता ही है। वहाँ से गेट यहाँ से लेके ये पूरा एरिया। अच्छा, तो यहीं से वापसी होना पड़ेगा? अब यहीं से वापसी जाना। ओके भाई, तो जैसे ही आप सभी ने देखा, ये अंकल कह रहे हैं ये इधर का लास्ट है, अब आगे की साइड चलते हैं, आगे की साइड दिखाते हैं आपको। सबसे ज्यादा जैसे जहाँ तक मेरा आईडिया दिल्ली में सबसे बड़ा यही है वाला, इससे बड़ा भी है कोई? गौशाला है जो वहाँ पे। हाँ जी, हाँ जी। अब उनका क्या है, वहाँ का सिस्टम, वहाँ की व्यवस्था अलग है। ओके, हमारी व्यवस्थाएं हैं, कोई किसी के लिए मना नहीं है, जो जिसको खिलाना अलाव है अपना खिलाओ, खिलाओ अपना जाओ, जाओ। सेवा कर लो अपना जाओ। ओके ओके, तो इधर तो अंकल वैसे दूध भी लोग लेके जाते होंगे जैसे? दूध यहाँ से दूध जाता है। अच्छा। जो
कार्ड बनवा रखे हैं, कार्ड बनवाए हैं, कूपन ले रखे हैं, अपना लाए महीने में। तो वैसे अगर कितने रुपए लीटर जैसे जाता है? अगर हमारे यहाँ जो है दोनों का जो रेट है, एक 80 रुपया लीटर है। 80 है जो हमारी साहिवाल वाली गाय है बाहर की जो लाए थे, उनका 80 रुपये है। जो हमारी मिक्स ये सब देसी वाली है, इनका 60 रुपया। अच्छा, हाँ थोड़ा बहुत डिफरेंट तो है ही है। ओके भाई, गुजरात से आई थी। ओके, वो साहिवाल है, वो मिलेगी। चलो वो तो अभी आप बता देना थोड़ा हमें एक बार। भाई हम इधर इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि ये पीछे की साइड पड़ जाता है, तो ज़्यादा लास्ट में आप सभी को पता है कि लोग प्रेफर करते हैं पहले ही होके चले जाते हैं। जिनको पूरा अच्छे से देख वो करना होता तो वो तो आते भी है लास्ट तक। अब ये अपना यश भाई डालते हुए अच्छे से गौ माता को सब चारा वारा। अभी गौ माता सो रही है नीचे, इधर भी डालो यश। तो भाई यार यहाँ से अंकल हमें आगे ले जा रहे हैं, आगे के बारे में थोड़ा और बताएंगे कि कहाँ कहाँ पे होता है। यश भाई को बहुत तरस आता है लोग। में भी है आगे जो टीन छत में है वो सब भी दूध की है। दिखा दे एक बार अंदर आराम से। चला ये यहाँ से लेके 5 बजे आप तो वहाँ लास्ट तक वो ही 80 रुपए लीटर वाला है। साहिवाल वाली है। साहिब तो मतलब ये कहीं बाहर से मतलब है? आई थी बहुत पहले हमारे गुजरात से आई हुई थी। गुजरात से? हाँ। ओके, तो उनसे जो है धीरे धीरे देखिए काफी हो रही है। अच्छा ओके, बदलाव हो गया इनका काफी, सब लाल लाल होते जा रहे हैं। चलन कर अंदर बोलो। अच्छा एक सेकंड दिखा देते हैं ना इधर है भाई। ये जो अंकल कह रहे थे ना कि ये दूध का वो देसी गाय थी, ये थोड़ी मतलब जो बाहर से लाई गई है गुजरात से, थोड़ी साहिवाल वाली, तो इनका दूध थोड़ा 80 रुपए लीटर के साथ जो अंकल ने बताया जैसी आप सभी को। अच्छा चलाओ दिखाइयो। तो भाई यहाँ पे मतलब ये प्रॉपर एंड है लास्ट का अंकल। लास्ट आ गए अपने गेट पे, मेन गेट पे अब आ गए, लास्ट है हमारा। भगवान जी का मूर्ति अंदर है पार्क में, वहाँ पे भी जा सकते हैं? अंदर नहीं जा सकते, गेट पर से देख सकते हैं। कृष्ण जी की मूर्ति यहाँ पे। हाँ। ये हमारा का है, सब कुशारा के सब देखभाल करने वाले हमारे पास है, सब अलग अलग। आपके आइडिया हो तो कितने सेवादार हैं यहाँ पे? यहाँ हमारे पास टाइम जो है 100 आदमी है। 100 आदमी सेवादार। ओके ओके, तो चलो भाई जो हमारा अभी 4 बज गया वो हम गायों को खिलाते हैं, उसके बाद आगे मिलते हैं आपसे। तो जैसे कि अभी आप सभी ने देखा अंकल से हमने प्रॉपर जानकारी ली इस बारे में कितने टाइम से गौशाला है, 100 साल के लगभग होकर 2000 गाय गौ माता से ऊपर आए यहाँ पे। और अंकल कह रहे हैं हम किसी के लिए मना नहीं करते, जो आते हैं सबकी एंट्री है, मतलब जो भी आया जैसे भी आए। और ये प्रॉपर लोकेशन पड़ती है, मैं आप सभी को बताता हूँ, ये दिल्ली। चलो ये भी मैं प्रॉपर जानकारी ये भी अंकल से दिलवाऊंगा क्योंकि अंकल को प्रॉपर अच्छे से पता होगा इस जगह के बारे में। तो चलो जो बाकी 4 बज गया अपने यश भाई खिलाएंगे क्योंकि हमने भी बहुत देर से खिलाया, तो अब मैं और यश भाई दोनों मिलकर खिलाते हैं और उसके बाद जानने के पहले मिलते हैं आपसे। भज मन श्री राधे।
भाई अब एक बार हम अंकल से प्रॉपर लोकेशन पूछ लेते, जगह पूछ लेते, कहाँ पड़ता है गौशाला? ये किशनगंज रेलवे फाटक। किशनगंज रेलवे फाटक, हाँ। तो यहाँ से मतलब ये पुल पार करके अगर कोई उस साइड से आ रहा हो, पर आधार मार्केट से अगर आपके उधर से आएगा, आधार मार्केट की साइड से आओगे, आधार मार्केट उधर से आओगे आप, आओगे तो आपको सीधा डीसीएम वाला जो गेट से, वहाँ से आप बिल्कुल किशनगंज रेलवे फाटक पे आ जाओगे। ओके, तो वहाँ फिर हमारी गौशाला वहाँ पे आ जाओ, गाड़ी या स्कूटी हो वहाँ पे खड़ी करके आप इस साइड आ सकते हो। नहीं नहीं, गाड़ी यहाँ लेकर आ जाए, गाड़ी यहाँ तक आएगी, यहाँ से इस रास्ते से इस रास्ते से नहीं आ पाएगी ना, उसके लिए आपको पूरा फिर करोलबाग से आना पड़ेगा घूम। नहीं नहीं, आपके डीसीएम का है नहीं, जो रोड आ रहा है आपको घर वाला, वो रोड बिल्कुल चौड़ा कितना हो गया, रोड पे पूरी गाड़ी आती है सारी। ओके ओके ओके, सारी आती है गाड़ियाँ उधर से, इधर करोलबाग से आती है इधर को। ओके भाई, ओके ओके, चलो। ओके अंकल जी, थैंक यू अंकल जी, अंकल ले लो। यहाँ पे मैंने अंकल को कुछ पैसे दान किए, बट अंकल मना कर रहे थे यार। अंकल बहुत अच्छे थे, अंकल ने हमें बहुत अच्छे तरीके से समझाया, तो बनता है। जैसे कि आप सभी ने देखा, अंकल से हमने प्रॉपर जानकारी ली, प्रॉपर आपको मतलब सब बताया इस लोकेशन के बारे में। एक बार मैं भी क्लियर कर देता हूँ लोकेशन। अगर आप कश्मीरी गेट की साइड से आ रहे हो तो आपको सीधा आना है आजाद मार्केट की साइड पे, और आजाद मार्केट से सीधा आके प्रताप नगर मतलब रेलवे किशनगंज रेलवे स्टेशन है वहाँ पे, अगर आप अपनी कन्वेंस से आओगे तो आपको पुल पार करके इस साइड आना पड़ेगा, और अगर आप दूसरी साइड से आ रहे हो तो करोलबाग से आपको पूरा गाड़ी आ सकती है आपकी यहाँ पे, गाड़ी आने में कोई दिक्कत नहीं है। तो चल गया लोकेशन, हमने भी बता दी प्रॉपर। तो बस आज गौ माता के आशीर्वाद लेते हैं, गौ माता के दर्शन के साथ इस व्लॉग का एंड करते हैं। आई होप आपको हमारी ये जानकारी, ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, और जिसने भी यहाँ आ सकता है और जिसको जो भी दूध वूध चाहिए जो भी, वो आपकी इच्छा है। तो हम बस आशीर्वाद लेते हैं और चलते हैं यहाँ से। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छी लगी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि जिसे नहीं पता उसे पता चल जाए। और ये जहाँ तक मेरा आइडिया, दिल्ली की सबसे बड़ी है और बेस्ट तो वैसे होती है सारी गौशाला, बट दिल्ली की जहाँ तक मेरा आइडिया है प्रॉपर बड़ी है। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे और बाय बाय। तो चलो भाई, यश भाई अपने आशीर्वाद।